महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। जी हां, गढ़चिरौली में नक्सलियों ने 12 वाहनों को जला दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली भाग निकले हैं। ये सभी गाड़ियां सड़क निर्माण कार्य में लगी थी। शुक्रवार को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में भी 3 वाहनों को जला दिया था। कांकेर सीमा पर इरपानार से पेंडुंगा मार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इरपानार कांकेर का इलाका है, वही पेंडुंगा गढ़चिरौली में है। शुक्रवार को भी यहां मजदूर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच काम कर रहे थे। इसी बीच बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचे और उन्होंने मजदूरों को वहां से हटने के लिए कह दिया। इसके बाद 9 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और ग्रेडर वाहन को जला दिया। गाड़ियों में आग लगाने के बाद नक्सली वहां से जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। घटना के बाद मजदूरों ने ठेकेदार और पुलिस को इस बात की सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया, मगर नक्सली तब तक मौके से निकल चुके थे। पूरे घटनाक्रम की जानकारी शनिवार को सामने आ सकी है। नक्सलियों ने मजदूरों से कहा था कि वे इस सड़क निर्माण के कार्य में सहयोग नहीं करें और ना ही यहां काम करें। इस आगजनी को नक्सलियों की बौखलाहट माना जा सकता है, क्योंकि 2 महीने पहले ही जवानों ने इस इलाके में 50 लाख के इनामी माओवादी मिलिंद को मार गिराया था। गढ़चिरौली से वीकेबी न्यूज के लिए गणेश सिंगाड़े की रिपोर्ट। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।